हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल टिनवल लाइफ। तो इस पेंटिंग का ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में ये फाइनल शेड्स मेरे चल रहे हैं। अभी मैं छोटी छोटी जो एडिटिंग रह गई है उसको कंप्लीट कर रही हूँ और इस पेंटिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वाटर कलर को फिक्स कैसे करना है, अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ कितना शेड्स रखने हैं, लाइट एंड डार्क वाइड रेंज कैसे फिल अप करनी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने इस पेंटिंग को बहुत इंजॉय किया जिसको मैं 2018 से बनाना चाहती थी, फाइनली ये मेरे सामने है। और सबसे अच्छा मुझे जो एक ड्रेस है इसके जो फ्लावर हैं ये बनाने थे और ये कंप्लीट हो गए। फ्लावर बनाते समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना तो आपको पता ही लग गया होगा मैं किस तरह से शेड लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा फोकस करना था और उस समय मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। इस तरह से मैंने ये फ्लावर स्ट्रेस पे बनाए। अब मैं कुछ छोटी छोटी एडिटिंग इसमें करूँगी। तो क्या ये फेस लग रहा है लिडिक किटी स्पेंसर का? ये मुझे ज़रूर बताएं। और वाटर कलर चलाना इतना आसान होगा ये मुझे नहीं पता था, जबकि वाटर कलर को सब इतना हार्ड मानते हैं। मेरे पास ऑयल पेंट भी रखे हैं, अभी ऑयल पेंट से मैंने कोई पेंटिंग की नहीं। ये कुछ कैनवास है मेरे, अभी ये लद्दाख और कश्मीर का पूरा करना बाकी है, इनके फेस ठीक करने हैं, फीचर्स अभी कुछ चेंज करने हैं। और कैनवास मेरे आ रहे हैं इसलिए मैंने ये पेंटिंग पेपर पे बनाई, बट मुझे पेपर पे बनाने नहीं चाहिए थे, मुझे कैनवास भी बनाने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं, एक मेमोरी मेरे पास है कि हाँ मैंने बनाई। जो मैंने पोस्टर लगा रखा था वो भी A4 साइज़ पर ही था और ये भी A4 साइज़ पर ही मैंने बनाई है। मैं इसको वाइट फ्रेम में ऐड करूँगी। और अभी लास्ट टच मुझे इसमें देने बाकी हैं, जैसे फेस पे जो वो एक नेट आ रहा है आइस को कवर किया हुआ है वो अभी बनाना है इसमें, और थोड़ा बैकग्राउंड को मुझे ठीक करना है। अभी बैकग्राउंड थोड़ा और अच्छे से ठीक करूँगी और फाइनल जो फेस को नेट ने कवर किया हुआ है उसको ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पेंटिंग को मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। स्टार्टिंग में ये ख़राब हो गई थी तो उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे ये फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर से बनाना मेरे लिए किसी एक चीज़ को दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मेरा मूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है फिर। तो मैं सोच रही थी कि ये दोबारा तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं पूरा बेस कवर कर चुकी थी, किस तरह से मुझे टचेस देनी है इसको, फिर से शेप देनी है, वो मैंने थोड़ा फोकस किया और इसको फिर तैयार कर ही लिया।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिन वन लाइफ.